हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बता रहा हूँ मैकेनिकल ब्रांच के लिए और सिविल ब्रांच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स सिलेबस होता है, जिसका नाम है फ्लूड मैकेनिक्स मतलब फ्लूड मशीनरी, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्लो, वाटर का कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में आता है, जैसे वेंचर मीटर, ओरिफिस मीटर, रोटा मीटर, ऐसा टाइप्स ऑफ फ्लो होता है, रेनॉल्ड नंबर। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट मशीनरी होता है जिसका नाम है फ्लूड मशीनरी। मशीनरी में जो टाइप्स ऑफ टेस्ट के बताया जाता है, जैसा टर्बाइन के बारे में जानकारी दिया जाता है, वैसा पंप के बारे में भी जानकारी दीजिए। पंप, पंप मीन्स नॉर्मल प्रेशर को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करना, मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहता है इज कॉल्ड पंप। पंप होता है जो पोटेंशियल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसका नाम है पंप। दोस्तों, टाइप्स ऑफ पंप होता है रिसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, ये एप्लीकेशन के हिसाब से है, क्या आपका नीड है, क्या आपका जरूरत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप, रिसिप्रोकेटिंग पंप दोस्तों उस जगह सक्सेस है जब हाई हेड का जरूरत पड़ेगा। आपको बहुत ऊंचाई तक कोई पानी को पहुंचाना होता है तो सबसे बेस्ट जो है वो है रिसिप्रोकेटिंग पंप एज ए इंटरनल कंबंशन इंजिन। दोस्तों, इंटरनल कंबंशन इंजिन का प्रिंसिपल में काम करता है रिसिप्रोकेटिंग पंप। दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रिसिप्रोकेटिंग पंप कैसे है, वो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास है रिसिप्रोकेटिंग पंप जो है एज ए आईसी इंजिन। आईसी इंजिन में एक पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रॉड होता है, एक क्रैंक होता है। तो सेम टू सेम दोस्तों, ये देखिए पिस्टन है, एक कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंक है। इसमें से यहाँ से दोस्तों होता है हमारा सेक्शन, पानी का सेक्शन यहाँ पे होता है, इसके अंदर से पिस्टन हेड में पहुँचता है। नॉर्मल पानी जो है वो पिस्टन हेड में पहुँचता है। जैसे ही पिस्टन में रहूँगा तो सेक्शन के बाद आता है कंप्रेशन। जैसे ही कंप्रेशन होगा तो जो पानी इसी के ऊपर पिस्टन हेड के ऊपर आया था वो कंप्रेस होगा, मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, उसका जो प्रेशर एनर्जी था वो प्रेशर एनर्जी डेवलप होगा। तो ये जो होता है दोनों तरफ से इसका डिलीवर है, दोनों तरफ से डिलीवर होते हुए वो पानी हो जाएगा, जितना भी आपको लॉन्ग में पहुंचाना है तो पहुंचाना। ये जो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पास से, ये जो प्रोसेस हो रहा है सेक्शन कंप्रेशन जो आईसी इंजन में होता है, सेम प्रोसेस होता है रिसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर। रिसिप्रोकेट हो रहा है ये पिस्टन केस के अंदर, ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर केस है, केस के अंदर ये रिसिप्रोकेट हो रहा है। दोस्तों, आपको दिख रहा है ये रिसिप्रोकेटिंग होता है, ये रिसिप्रोकेटिंग हो रहा है दोस्तों। ये इसके बाद से जो प्रेशर एनर्जी है, जो नॉर्मल हाइड्रोलिक एनर्जी था, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करता है। थ्री टाइप्स ऑफ वर्किंग हेड होता है दोस्तों, लो हेड जो 15 मीटर तक जाने का, मीडियम हेड 15 से 40 मीटर तक जाने का कंडीशन, हाई हेड होता है अबव 40 मीटर तक फ्लो रेट पहुंचाने की कैपेसिटी होता है। ये रिसिप्रोकेटिंग पंप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेम टू सेम हमारे पास एक मॉडल रखा हुआ है दोस्तों, जो सेम टू सेम रिसिप्रोकेटिंग मशीन है। दोस्तों, ये हमारा रिसिप्रोकेटिंग मशीन है जिसका आगे मोटर लगा हुआ है, ये मोटर है, यहाँ हमारा लगा हुआ है रिसिप्रोकेटिंग पंप। दोस्तों, आपने देखा होगा जो गाड़ी धोते समय जो इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को वॉश करते समय टू व्हीलर फोर व्हीलर गैरेज में आपने देखा होगा जो पंप का यूज किया जाता है, उस पंप का नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप। वो हाई हीट कर देता है, उसका प्रेशर एनर्जी को जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जितना प्रेशर डेवलप करता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप उससे तीन गुना प्रेशर डेवलप करता है। जब भी कोई वॉश टाइप का काम होता है तो ये रिसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया जाता है, इसका जो हेड जो है वो ज्यादा डेवलप करता है। ये दोस्तों हमारा रिसिप्रोकेटिंग पंप है जो यहाँ लगा हुआ है, मैं ये दिखाया किस टाइप से काम करता है, एज ए आईसी इंजिन है। और उसके बाद मैं ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा इंजिन चल रहा है आपके सामने, यहाँ रिसिप्रोकेट हो रहा है। ये इसका हमारा पिस्टन जो है, जो पिस्टन हमने यहाँ दिखाया दोस्तों, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन रिसिप्रोकेट हो रहा है, ये पिस्टन यहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ सेक्शन और डिलीवर हो रहा है, वो मैं आपको और पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हमारा सेक्शन वाल्व, सेक्शन लाइन है, ये सेक्शन वाल्व है, ये सेक्शन प्रेशर है, ये हमारा सेक्शन प्रेशर है। ये सेक्शन प्रेशर के हमारा किसके अंदर आया, ये पिस्टन के ऊपर आया, ये हमारा पिस्टन है जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है, यहाँ से जो निकलते हुए जा रहा है ये हमारा डिलीवर है, ये डिलीवरी पाइप है, ये डिलीवर है, ये डिलीवरी प्रेशर है, ये डिलीवरी वाल्व है, यहाँ से आउटलेट होते हुए हमारा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप। आपने देखा दोस्तों, जो गैरेज में गाड़ी वॉश करने के लिए जो यूज होता है जो पंप, जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप, जो मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पास
हाथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये रिसिप्रोकेटिंग पंप है, ये पिस्टन है, ये रिसिप्रोकेट हो रहा है, पिस्टन है, रिसिप्रोकेट हो रहा है। तो इस टाइप से जो काम होता है रिसिप्रोकेटिंग पंप का, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। ये हमारा पंप है जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई हेड बनाने के लिए सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, हर पॉइंट आपको मैंने दिखाया गया। इसके बाद भी और एक हमारे पास मॉडल है जिसका नाम है गियर पंप। ये गियर पंप नॉर्मली गियर में मतलब एक फीट दो फीट हाइट में कोई हाइड्रोलिक एनर्जी पहुंचाने के लिए इस पंप का यूज कर, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है इसका दोस्तों गियर पंप का, जिसका नाम है पावर हेक्सो। पावर हेक्सो लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन, इस टाइप से जो हेड जिसमें प्रेशर ज़्यादा जरूरत नहीं है, मिनिमम प्रेशर का जरूरत पड़ता है, उस समय इस टाइप का यूज किया जाता है जिसका नाम है गियर पंप। गियर पंप यह सेक्शन प्रेशर, सेक्शन वाल्व और इसके आगे लगा रहता है डिलीवरी प्रेशर पर डिलीवरी वाल्व। ये थ्री टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होता है नॉर्मली हमारा पंप के अंदर, जो थ्री टाइप्स ऑफ पंप एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है दोस्तों, जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप मैंने आपको दिखाया, उससे बाद जो यूज होता है गियर पंप, उसके बाद जो रिसिप्रोकेटिंग होता है जिसका नाम है रिसिप्रोकेटिंग पंप मैंने उसको दिखाया, तीसरा नंबर जो पंप है जिसका नाम है गियर पंप। दोस्तों ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो आपको ये सेक्शन, सेक्शन वाल्व, सेक्शन प्रेशर, ये हमारा ये एक्चुअल ये हमारा पंप है, ये हमारा प्राइम है, प्राइम करने का प्रोसेस है, यहाँ से पानी का डिलीवर होता है, ये डिलीवर होता है दोस्तों। ये हॉट पॉइंट आपको मैं दिखाने को, ये हमारा डिलीवरी प्रेशर, ये डिलीवरी प्रेशर, ये हमारा कंट्रोल वाल्व होते हुए हमारा ये डिस्चार्ज में पहुंचता है दोस्तों, यहाँ से डिस्चार्ज, सेक्शन से डिस्चार्ज, तो टोटल जो हेड होता है उसको टोटल हेड, ग्रॉस हेड कहलाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है सबसे ज़्यादा हर घर में जो यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, कारण लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे जो अच्छा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। हाइट के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो रिसिप्रोकेटिंग पंप है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप मैंने आपके सामने दिखाया। माई चैनल नेम क्लासरूम दादा, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें, लाइक करें। थैंक यू।